हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेटकोटेक पर। दोस्तों मैं हूं रंजीत और चले आज बताने वाला हूं राइट एंगल कैसे होता है। दोस्तों राइट एंगल के बारे में आप लोग का कोई भी डाउट है, सारा का सारा डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। चलिए देखते हैं कैसे राइट एंगल होता है। दोस्तों ये है समकोण त्रिभुज, ये पी, ये बी, ये एच। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, एच का मतलब है हाइपोटेनोस। यही थ्री भुजाओं का वैल्यू लेके हम लोग को राइट एंगल निकालना है। तो इसका वैल्यू डालते हैं, पी हम लोग का 300 mm, 300 mm, बी हम लोग का 400 mm, एच 500 mm। तो पहले लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, बी हम लोग का बेस 400 mm पहले नीचे लेना है, दो पॉइंट दीजिए, इसको रेखा टान लीजिए 400 mm का, ये हो गया 400 mm। अभी यहाँ पी लेना है हम लोग को, यहाँ से लेके यहाँ तक पी हम लोग को 300 mm लेना है, ठीक। इसका ऊपर में लेना है 300 mm, दो पॉइंट लेना है, एक पॉइंट लेने के बाद ठीक ऊपर सीधा में और छोड़ के और एक पॉइंट लेना है, इसको मैच कर दीजिए। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक एच हम लोग का 500 mm है, ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट 500 mm है। अभी यहाँ से लेके यहाँ जहाँ पॉइंट मिलेगा वही हम लोग का राइट एंगल पॉइंट है। दोस्तों 500 mm लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 500 mm लेना है, इस लाइन में ये यहाँ मिल रहा है दोस्तों 500 mm, ये हो गया हम लोग का राइट एंगल। ये हो गया हम लोग का राइट एंगल। बी हम लोग का 400 mm है, पी हम लोग का 300 mm है, एच हम लोग का 500 mm है। तो इसी तरह आप लोग वैल्यू लेके राइट एंगल निकाल सकते हो। इससे और भी आप लोग को बड़ा चाहिए दोस्तों तो इसमें 2 मल्टी करते हो, 3 × 2 6 हुआ, ये 00 00 600 mm, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करें 4 × 2 ये 8 हुआ 800 mm, 5 × 2 10 हुआ 00 1000 mm। जो वैल्यू उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे तो तीनों में वही मल्टीप्लाई करना है, सेम मल्टीप्लाई करना है। अभी इसे और आप लोग को बड़ा चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई 3 करिए, और बड़ा चाहिए तो 3 × 3 9 000 00 900 mm, 4 × 3 12 00 1200 mm, 5 × 3 ये हो गया 1500 mm इससे और बड़ा चाहिए तो आप लोग इसमें 4 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 × 4 1200 mm, 4 × 4 1600 mm, 5 × 4 20 00 00
2 मीटर, ये तो हुआ एमएम में। और अब आप लोग को अगर इसे और बड़े चाहिए तो इसमें 5 इंटू कर सकते हो, और बड़े चाहिए तो 6 इंटू कर सकते हो। ये तो हुआ एमएम में दोस्तों। आप लोग को मीटर में चाहिए तो, मीटर में चाहिए तो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। मान लीजिए ये हम लोग को पी हम लोग का 3 मीटर ले रहे हैं तो बी हम लोग का 4 मीटर लेना है, एच 5 मीटर लेना है मीटर। इससे आप लोग को बड़ा चाहिए तो 2 इंटू कर लीजिए, 3 इंटू 2 6 मीटर, 4 इंटू 2 8 मीटर, 5 इंटू 2 10 मीटर। तीनों में सेम मल्टीप्लाई करना है, पी में 2 मल्टीप्लाई कर रहे तो बी में भी वही करना है, एच में भी वही करना है। मान लीजिए पी हम लोग का 6 मीटर चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर, तो बी हम लोग का 8 मीटर, एच हम लोग का 10 मीटर लेना है। इससे और बड़ा चाहिए तो आप लोग इसमें मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, 3 इंटू 3 9 मीटर, 4 इंटू 3 12 मीटर, 5 इंटू 3 15 मीटर। इससे आप लोग को और बड़ा चाहिए तो इसमें 4 गुना कर दीजिए, 3 इंटू 4 12 मीटर, 4 इंटू 4 16 मीटर, 5 इंटू 4 ये 20 मीटर। इसी तरह आप लोग को चाहे जितना भी बड़ा हो राइट एंगल, आप लोग इसी तरह वैल्यू लेके आप लोग राइट एंगल निकाल सकते हो। ये तो मीटर में हुआ। अगर आप लोग को फीट में चाहिए सेम, बस इसमें फिट कर दीजिए, फिट ये भी फिट है, पी हम लोग का 3 फिट, 3 फिट लेंगे तो बी हम लोग का 4 फिट, एच हम लोग का 5 फिट। उसी तरह पी हम लोग का 6 फिट तो बी हम लोग का 8 फिट, एच हम लोग का 10 फिट। तो इसी तरह आप लोग को वैल्यू डाल के चाहे जितना भी बड़ा हो आप लोग राइट एंगल निकाल सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।